नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ चीन की सीमा से सटे गांव से लापता हुए 5 भारतीयों को चीन की सेना ने भारत को सौंप दिया है। भारतीय सेना के साथ 5 लोग वापस आए। ये हैंडओवर अंजाव जिले के किबूतू के पास वाचा में हुआ। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत पहले उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा, इसके बाद उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 5 युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद कहा है। रिजिजू ने ट्वीट किया, चीन की पीएलए ने हमारे 5 लड़कों को हैंडओवर कर दिया। हमारे नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए मैं भारतीय सेना की प्रशंसा करता हूं। मैं भारतीय सेना प्रमुख को धन्यवाद करता हूं कि उनके कार्यालय और स्थानीय कमांडर्स ने लगातार मामले को फॉलो किया और मुझे अपडेट देते रहे। 4 सितंबर को बॉर्डर से सटे अरुणाचल के अपर सुबनसिरी जिले से ये 5 भारतीय लापता हुए थे। 8 सितंबर को चीन की सेना ने माना था कि ये लोग उनके इलाके में हैं। कहा गया कि वो गलती से लेसी क्रॉस कर गए, लेकिन दावे ये भी हुए कि चीन की सेना ने कथित तौर पर इनका अपहरण कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक निंगोंग एरिंग ने ट्वीट कर ये दावा किया था। उन्होंने लिखा था, शॉकिंग न्यूज, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से 5 लोगों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया। कुछ महीने पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। हालांकि जिस वक्त ये खबर आई थी पहले दिन, उस वक्त अपर सुबनसिरी जिले के एसपी तारू गुस्सार ने इंडिया टुडे से बताया था कि उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली। वहीं डिप्टी कमिश्नर कांटो डांगेन ने कहा था कि जिस इलाके की घटना बताई जा रही है वो गैर रिहायशी इलाका है, नाचो टाउन से 11 दिन की पैदल दूरी पर है, इसलिए वहां से कोई भी जानकारी हासिल करना काफी मुश्किल होता है। सिर्फ सेना ही इस मामले में कुछ अपडेट दे सकती है। पिछली बार ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद से एक व्यक्ति को छुड़वाया गया था। इसी के बाद चीन सेना से अपडेट मिला था कि ये 5 लोग चीन सीमा में ही हैं। फिर इनके वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। किरण रिजिजू ने शुक्रवार 11 सितंबर को बताया था कि चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से लापता सभी 5 युवकों को शनिवार को भारत को सौंपने के लिए कहा है, इसके लिए राजी हो गया है। भारत चीन सीमा के पास जंगल में शिकार के लिए 7 लोग गए थे, उनमें से 5 युवक लापता हो गए थे। लापता युवकों में से एक के रिश्तेदार प्रकाश रिंगलिंग ने अपने फेसबुक पोस्ट में पहली बार इस बारे में लिखा था, नॉर्थ ईस्ट ये सुकून देने वाली खबर तब आई है जब लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये स्टोरी की थी हमारे साथी निशांत ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। इंडिया में रह के AI का यूज करके कैंसर का इलाज कैसे ढूंढ सकते हैं?